हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर मल्टी रोज लाइफ चैनल। आज हम आपको बताएंगे खजूर से होने वाले फायदों के बारे में। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि पूर्णतः फ्री है, ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय से पहुँच सके। खजूर का वृक्ष जितना अधिक ऊँचा होता है उस पर उतने ही छोटे फल लगते हैं, लेकिन खजूर के छोटे छोटे फल अत्यधिक स्वादिष्ट और गुणकारी तत्वों से भरपूर होते हैं। खजूर अधिक शक्ति वर्धक फल होता है। पिन खजूर को सुखाकर छुहारा बनाया जाता है। खजूर में कार्बोहाइड्रेटेड पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और कॉपर भी विशेष रूप से होता है। फास्फोरस के कारण खजूर मस्तिष्क को बहुत लाभ पहुँचाते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार खजूर में विटामिन ए, बी और सी अधिक मात्रा में होते हैं। प्रतिदिन खजूर खाने से शरीर को विटामिन ए, बी और सी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। शरीर की मांसपेशियों को भरपूर शक्ति मिलती है। हृदय रोगियों के लिए खजूर गुणकारी औषधि की तरह पौष्टिक फल है। इसके सेवन से रक्त वाहिनियों में रक्त तरल होकर प्रवाहित होता है, जिससे रक्त के अवरोध से हृदय रोग की संभावना नष्ट हो जाती है। खजूर का सेवन वैसे तो लाभप्रद होता ही है, लेकिन अगर इसको दूध के साथ सेवन किया जाए तो ये यौन शक्ति को चमत्कारिक तरीके से बढ़ाता है। रात्रि के समय खजूर को दूध में उबालकर खाने से शारीरिक दुर्बलता नष्ट होती है। इससे रक्त की वृद्धि होने से शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ता है। खजूर का सेवन करने से सभी तरह के धातु रोग नष्ट होते हैं। प्रतिदिन खजूर खाने और दूध पीने से शरीर को भरपूर शक्ति मिलती है। खजूर के सेवन से वीर्य की वृद्धि होती है। खजूर शरीर में रक्त की वृद्धि करने के साथ ही वीर्य की वृद्धि करके काम इच्छा को प्रबल करने के साथ नपुंसकता को नष्ट करता है। खजूर को दूध में उबालकर रात्रि के समय खाने से कोष्ठबद्धता यानी कब्ज नष्ट होती है। खजूर को नींबू के रस के साथ पीसकर सेंधा नमक, काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर चटनी की तरह सेवन करने से अरुचि नष्ट होती है और भूख खुलकर लगने लगती है। खजूर और बादामों को दूध में देर तक उबालकर खीर बनाकर खाने से शीघ्र पतन की विकृति नष्ट होती है। नपुंसकता में भी इससे बहुत लाभ होता है। खजूर खाने से थकावट दूर होती है। 5 खजूर रात को पानी में भिगो के रख दें और प्रातः खाएं तथा पानी भी पिएं। इससे दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। खांसी व अन्य चेस्ट के रोगों में खजूर का नित्य सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, एक बात याद रखें, खजूर एक बार में 2 से आरंभ करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। डायबिटीज रोग से पीड़ित स्त्री पुरुषों को खजूर का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खजूर में शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है। खजूर में 75% शर्करा होती है। साथियों, इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि खजूर का सेवन स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, इसके साथ ही ये यौन शक्ति बढ़ाने में भी चमत्कारिक तरीके से असरदायक होता है। ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। उसके लिए आपसे निवेदन है, आप हमारे मल्टी रोज लाइफ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।